हेलो, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हब। और मैं आज का इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे कहां क्या क्या भरते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ऊपर में नेम है, तो नेम में हम क्या लिखेंगे, नेम में ऑटोमेटिकली हम लिखेंगे और आपका फर्स्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे कि आपका क्या फर्स्ट नेम है। और इसमें कैपिटल में लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, कैपिटल में ही लिखना चाहिए। और हम यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं उसका नाम दे करके, उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट नेम मेरा क्या है, लास्ट नेम लिखेंगे, जो आपका जो लास्ट नेम रहेगा वो लास्ट नेम लिख देंगे। जैसे चलिए मैं लिख दिया एक लास्ट नेम, डोंट वेरी, एक गर्ल्स का नेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ आपका ईमेल आईडी देता हूँ। चलिए मैं एक दे रहा हूँ आईडी, और आप जिसका जो है वो अपना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली नहीं है। जो आप जैसे आप ऑनलाइन में ऐसे आएगा, मैं इस ये बना रहा हूँ, मैं जैसे बायोडाटा, ऑनलाइन बायोडाटा बनाने के लिए एक वेबसाइट है, ये दी मोनेस्टर, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन बायोडाटा बना सकते हो। तो मैं इस बायोडाटा को बना रहा हूँ ऑनलाइन, और मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देता हूँ। और आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देना है, वैसे आप ईमेल आईडी ही दीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं देना है, ना मोबाइल नंबर इसमें नहीं देना है, कुछ नहीं, सिर्फ ईमेल आईडी आपको देना है। तो ईमेल आईडी दे करके आपको क्या करना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी @gmail.com पूरा लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा छोड़ कर लिखे, पूरा आपको पूरा आपको लिखना होगा ईमेल आईडी। और उसके बाद है, अगर आपको कुछ गलती होगा तो वहाँ पे आप रेड क्रॉस आ जाएगा, तो आप रेड क्रॉस को हटा, देखिए कि कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है, तो इसको देखना होगा आपको ही। तो यहाँ पे सब सही है और रेड अभी आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या गलती है वो। तो यहाँ पे डॉट वगैरह लग गया है, तो इसका मतलब ये डॉट नहीं होगा। @gmail.com कैसे लिखते हैं, gmail.com दे करके @ लिखने से पहले ना बाद में डॉट नहीं देते हैं, इसलिए वो गलती शो कर रहा है। तो हम फिलहाल अभी पासवर्ड दे देते हैं। चलिए पासवर्ड दिए देते हैं, जो मैंने ईमेल आईडी का पासवर्ड दिया था, आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वही दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ईमेल आईडी का पासवर्ड दे दिया हूँ, और देखिए मेरा ईमेल आईडी गलत शो कर रहा है, तो हम इसको क्या सही करेंगे। यहाँ पर जो @ था वहाँ पे हम डॉट दे दिए थे, दो जगह पे डॉट दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप डॉट ना दें तो सही रहेगा, तभी वो सही लेगा, नहीं तो वो गलती ले लेगा। तो चलिए देखिए मेरा यहाँ ईमेल आईडी सही हो चुका है, पासवर्ड भी सही है। और उसके बाद मैं अपना लोकेशन डालता हूँ, करेंट लोकेशन, तो जो मेरा लोकेशन है अपना जो आपका लोकेशन है वो दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ लोकेशन आपको चूज़ कर लिए हैं, चूज़ करना होता है फिलहाल, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, हाँ आप शो किया, तो आप यहाँ पर कोलकाता को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वेस्ट बंगाल है, तो मैं वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट करता हूँ, या कोलकाता को सिलेक्ट करूँगा, वेस्ट बंगाल या कोलकाता को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आपका जो है वही आप सिलेक्ट करिएगा, तो मैं यहाँ फ़िलहाल कोलकाता को सिलेक्ट करने वाला हूँ। चलिए कोलकाता, अगर नहीं आएगा, आप खोज रहे हैं ऐसे नहीं आएगा, तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट वहाँ पर के लिखिएगा, या जहाँ से अब हो जिस जगह से, तो वहाँ पर वो वर्ड लिखिएगा स्टार्टिंग का, तो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं वहाँ पर लिख दिया ऊपर में, उससे आप क्या करेंगे, इसको सही कोलकाता देते हैं। कोलकाता देने के बाद हम के लिखने से ही कोलकाता सेलेक्ट हो गया जाएगा, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, एकदम ईजी प्रोसेस है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने कोलकाता को सेलेक्ट कर लिया अपने लोकेशन में, और यहाँ मैं अपना एक मोबाइल नंबर डालूंगा, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, क्योंकि इस पर मैसेज वगैरह आ सकता है कंपनी की तरफ से, या जिस बायोडाटा में बना रहे हो तो वो बायोडाटा में आएगा, तो वो नंबर हम दे देंगे जिससे आपको कंपनी कांटेक्ट कर सके, या जिसमें आपको बायोडाटा दे रहे हैं वहाँ से आपको कांटेक्ट आ सके। तो रियल इसमें दीजिएगा अपना नंबर जो भी हो, और यहाँ पर आपको बोल रहा है एक्सपीरियंस आपका क्या है, तो मैंने फ़िलहाल कुछ भी दे दिया आपका, जैसे एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ में एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ 1 ईयर 2 ईयर जो भी है आपको अपना सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से।
तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कुछ कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल एक्सपीरियंस है तो आपको टोटल एक्सपीरियंस मैंने 1 2 जो भी आप सिलेक्ट करना है आप वो कर सकते हैं। जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो अपने अपने हिसाब से आप करिएगा। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ बैकग्राउंड आपका क्या है तो आपका बैकग्राउंड दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल बैठा दिया जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं वो बैकग्राउंड बैठा देता हूँ। और जो आपका भी है वो भी आप अपना अपना ही बैठाइएगा, दूसरा का नहीं बैठाइएगा। आपका एजुकेशन में क्या है, इंडस्ट्री आपका क्या है? तो मेरा तो फ़िलहाल BCom है, तो मैंने कॉमर्स का डिपार्टमेंट में, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉमर्स का ही चुनूंगा ना। और इसलिए आप जो है अगर साइंस में है साइंस चुनिएगा, या आर्ट्स है तो आर्ट्स लीजिएगा, या इंजीनियरिंग है या कुछ भी है तो आप वो इंडस्ट्री आप चुनिएगा। तो मेरा इंडस्ट्री है, चलिए मैंने चुन लिया। और यहाँ पर फैकल्टी आपका क्या है वो आपको देखना है। तो मेरा ये लर्निंग है, मीन्स ये लर्निंग है मेरा, तो पढ़ाई चल रहा है तो मैं ये लर्निंग पे ही चुनूँगा। ठीक है, आपका जैसा है आप उस हिसाब से आप चुनिएगा, आपको क्या चल रहा है, आप जॉब वगैरह कर रहे हो या क्या आप कर रहे हो, तो उस हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फाइल चूज़ करना। अब फाइल को कैसे चूज़ करिएगा, तो वहाँ पर आप चूज़ करने में डायरेक्ट इंटर करना है। किसी किसी में लिखा रहता है आपको कि कितना UKB का देना होगा, लेकिन आपको वहाँ पर क्लिक करके आपको देखना होगा और फाइल में जाना होगा। आपको पहले से कंप्यूटर में रखना होगा स्कैन करके, तो आप स्कैन करके पहले से रख लीजिएगा। और उसके बाद आप जो फाइल में रखे हुए हैं वहाँ ब्राउज में जाइएगा, तो जैसे वो मिस फाइल मैनेजर पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस फाइल में जाना है, या सी ड्राइव हो डी ड्राइव हो। अब उसके बाद आपको जो फाइल में रखे हैं उस फाइल को चूज़ करना है। और चूज़ करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको कौन सा, मिस मेरा फ़ोटो, मेरा प्रोफाइल का फ़ोटो कौन सा है, कहाँ हम रखे थे, उसको हम सेलेक्ट करके यानी क्लिक करके ओपन कर लेंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो वहाँ पर देखिए JPG करके कुछ लिखा गया है जिस नाम से रहेगा। और उसके बाद हम सारा प्रोसेस देख लेंगे कि मेरा सही है या नहीं, आई हैव नीड एंड कुछ भी है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा जो इमेज है वो सही से नहीं लिया है। अगर आप वहाँ लिखा है कि अपना इमेज सही यानी उस साइज़ का ही देना होगा, नहीं तो उस साइज़ से अगर नहीं दोगे तो आपको वो साइज लेगा नहीं। तो प्लीज़ अगर आप अपना हिसाब से उस KB, उतना KB लिखा होता है उस KB के हिसाब से अपना फ़ोटो को एडजस्ट करना होगा। ये फोटोशॉप से कर सकते हो या मिस वर्ड मिस MS पेंट से भी कर सकते, बहुत सारे तरीका है आप फाइल को अपना एडजस्ट करने का, कवर फोटो को उतना KB का बनाने का। तो मैंने एक फ़ोटो फिल्म से देखता हूँ कि कोई है ऐसा फ़ोटो जो मैं उसमें अटैच कर सकूँ। ये नहीं कि मेरा ये, मैं आपको सिंपल बताने के लिए कर रहा हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं भरूँगा उसके लिए। तो बस यही प्रोसेस है और उसके बाद क्लियर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो मेरा सारा प्रोसेस